हेलो गाइस, मैं हूं अमित। तो भाई कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस बाइक का जो अगला टायर है वो हटा करके गाड़ी के बड़े तीन टायर्स लगाए थे, और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऐसी और वीडियोस भी बनाओ। तो हमारे पास में एक साइकिल जिसका अगला टायर बहुत ही पतला होता है और बहुत बड़ा भी होता है, क्या करेंगे इस बाइक का जो सामने वाला टायर है उसको हटा करके इसमें फिट कर देंगे साइकिल का टायर। एकदम अलग, एकदम अजीबोगरीब देखने वाली चीज़ होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो फटाफट जो शुरू करते हैं, तो भाई यहाँ पर हमने जो साइकिल का आगे का टायर है वो हटा रखा है, और ये जो है कुछ इस तरीके से एकदम आराम से बाहर आ जाएगा, और साइकिल को जो है हम ऐसे ही खड़ा कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले जो मडगार्ड है इसको निकालना पड़ेगा ताकि हम जो टायर है इसको बाहर निकाल सकें, और इसके लिए इसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये जो अगला टायर है ये आ गया है भाई एकदम अलग, और अब यहाँ पर लगेगा साइकिल का टायर जो कि है यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं कि ये इसके अंदर फिट आएगा या नहीं आएगा। और भाई हमें यहाँ पर जो है बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइकिल का एक्सल होता है ये छोटा आता है बाइक के एक्सल से। जो एक्सेल है उसको हमने इस शॉकर्स के अंदर डाल दिया है, अब इसको जो है सिर्फ एडजस्ट करना है। लेकिन यार हाथ देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारी ग्रीस और ऑयल वगैरह है, तो गंदे तो होंगे यहाँ पर। ऐसा काम करेंगे तो हाथ तो गंदे हो ही जाने हैं। और अब आप देख सकते हैं ये जो है एकदम बढ़िया से घूम रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जोर से भी घुमाता हूँ तो भी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया ये चल रहा है। तो अब इस बाइक को भाई ले जाते हैं रोड के ऊपर और देखते हैं किस तरीके का ये जो है चलता है वहां पर। तो गाइस यहां पर हमारी जो बाइक है उसके अंदर लग चुका है साइकिल का टायर, और इसका जो लुक है वो भी यार आप देख ही सकते हो। दूसरी तरफ से आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो यार इसका जो लुक है वो एकदम अजीब सा, एकदम अलग सा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी दिखता है, क्योंकि जो टायर है वो थोड़ा ज्यादा ही पतला है, और यार चलाने में भी इसमें जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन यार अपने आप में एक बिल्कुल अलग चीज है। तो यार एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो के लिए, और मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके कुछ भी बनाओ या ऐसा कुछ भी चलाओ, क्योंकि भाई ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो अब इस बाइक को थोड़ा सा चला करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके की ये चलती है। बढ़िया है, लेकिन यार फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमने जो है आप लोगों के लिए ये जो बाइक है देखने के लिए बनाई है, चलाने के लिए नहीं बनाई है। तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।